क्लास में ये कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे आप। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है आज है 1 अप्रैल, बट आप लोग वीडियो एक दिन बाद देखते हैं, तो अप्रैल है तो अप्रैल फूल तो बनाना बनता है। और मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि विधि अभी मेरे पास आई हुई है। आप लोग जानते होंगे शायद विधि मातो को, बहुत कोई जानते होंगे, तो हम सोचे उसके साथ एक प्रैंक करें। वो अभी फिलहाल नहाने के लिए गई है और आज घर के लिए निकल जाएगी, तो हम सोचे उसके साथ प्रैंक करेंगे। एंड चलिए आप लोगों को एक न्यू मेंबर से भी मिला देते हैं। ये देखिए इसका नाम क्या रखें, मोटू तो है उसका नाम। इसका नाम ये हम न्यू बेबी अडॉप्ट किए हैं, इसकी मम्मी नहीं थी तो इसको हम अडॉप्ट कर लिए। क्या क्या नाम दें इसको? सो गाइस आप लोग नाम सजेस्ट कीजिए। कुटू, पता नहीं कुटू उसको भी बोली थी कुटू। हाँ तो देखते हैं इसका नाम सजेस्ट कीजिए। तो अभी हम एक प्लान सेट किए हैं और क्या प्रैंक रहेगा वो तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने पे पता चलेगा। और उधर विशाल है, विशाल उधर नॉर्मल कैमरा मतलब इस तरह से पकड़ के रखेगा और यहीं पे हम लोग करेंगे, जैसे उसको पता ना चले कि हम लोग यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहे हैं या प्रैंक शूट कर रहे हैं। और चलिए वो आ जाती है तब स्टार्ट करते हैं, बहुत हार्ड वाला प्रैंक होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी वेट करते हैं उसका आने का, फिर हम अपना एक्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विधि अभी नहा के आ गई है और वो अभी निकल जाएगी तो घर के लिए, तो रेडी वेडी होके वो बैठी हुई है हॉल पे। और अभी हम विशाल को कैमरा दे देंगे, वो अच्छे से पकड़ के रखना, बाकी जो है वो हम कर लेंगे। जा रहे हैं, आंसू कैसे आएगा, हम पानी में लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। आंसू तो आएगा नहीं, फिर भी आंसू ले ले रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। टॉपिक आप लोगों को पता चल जाएगा, शायद हम मम्मी बना रही मछली, हम जा रहे हैं। आंसू तो आ गया, तुम पहले जाके वहाँ बैठे रहो, हम बाद में नहीं। रुक, कहां से आते हैं ये? अरे यार ऐसा नहीं है, हम नहीं छोड़ते, ठीक है। दीदी क्या हुआ, रो रहे? सबको बहुत दिक्कत है मेरा वीडियो बनाने से। अरे तो छोड़िए ना, आपको ऑडियंस से क्या मतलब है? ऑडियंस से मतलब जो भी आपके हेटर्स लोग, वही लोगों को दिक्कत है ना, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है। आपको कितना तो किसको दिक्कत हो रहा है? किसी को पता नहीं अभी तक, बता रहे हैं किसी को बताना नहीं फिलहाल। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक्चुअल में मेरा शादी लगी है, ठीक है। और मेरे जो इन लॉज है और मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, उनको नहीं पसंद है कि हम यूट्यूब में चाहे इंस्टा में वीडियोज वगैरह बनाएं। और हम इतना मेहनत किए हैं, इतना अपना नाम बनाए हैं, कैसे छोड़ दे रहा? और ऐसा है, हम उन लोग को भी कितना ही समझाएं, समझा समझा के थक गए, नहीं मान रहे हैं। मतलब शादी पूरा फिक्स हो गई है, हाँ मतलब वो नहीं समझ। हाँ तो अंकल आंटी को पता है कि मतलब ऐसा वहाँ फिर कुछ नहीं? मम्मी पापा को नहीं बताया, हम नहीं चाहते मम्मी पापा को टेंशन का टेंशन हो, उनको नहीं बताएं। देखते हैं, मम्मी पापा तो हमसे कभी मना किए नहीं है। वही बात है मेरी, जब आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट किए हैं, इतना आगे तक लेके आए, अब आपके छात्र में इतना नाम है, जो भी है सब आपको जो किसी और के नाम से पहचानते हैं, जो आपका पहचान है उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप अपने इन लॉज को मनाने की कोशिश नहीं किए कि यही मेरा पहचान है, और हो सकता है वो लोग यही पहचान से आपके पास रिश्ता भी लेके आए होंगे। नहीं, वो लोग सोशल मीडिया में नहीं है, मतलब रिलेटिव के थ्रू से लेके आए हैं।
तो लोगों को आपसे बनाने का कोशिश नहीं की, समझाए हैं, बट जो नहीं है सोशल मीडिया में से बहुत लोगों को लगता है ये अच्छा चीज नहीं है, बट मेरी फैमिली को पता है जो भी है फैमिली के सामने ही रहता है, बट बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है कि यह कुछ मानते हैं सोशल मीडिया अच्छा बुरा दोनों है, दोनों ही इक्वल इफेक्ट पड़ता है, बट हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है, बाकी अपना मम्मी पापा तो सपोर्ट करते ही है, बाकी लड़की लोग का तो फ्यूचर सोचने एक तरह से ससुराल वाला लोग ही डिसाइड करते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो ठीक है, हाँ देखिए ये हम नहीं बोल रहे लेकिन इन मतलब इन फ्यूचर अभी आपको वीडियोज और ये के लिए रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये लोग बोलते हैं नहीं बनाओ भी मत और जितना वीडियो वगैरह उसे डिलीट कर दो, मतलब इंडिया से पूरा चैनल भी डिलीट कर दो और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम भी बंद कर दो, ऐसा थोड़ी होता है देखिए, क्योंकि अभी वो लोग ये सब चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, फिर इन फ्यूचर और भी चीज़ के लिए मना करेंगे, तो जहाँ आपका खुशी नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो दीदी, और ऐसे आप हमेशा होते ही रहेंगे, वो लोग समझिए या तो एटलीस्ट वो लोग को समझाइए ठीक है, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि ऐसा सा बात है, हाँ हालांकि अंकल आंटी को थोड़ा सा मतलब होगा, बट जहाँ फैमिली आपके मम्मी पापा तो सपोर्ट करते ही हैं, देखिए मम्मी पापा जहाँ पे खड़े होंगे ना वहाँ पे बच्चा हमेशा सपोर्ट करता ही, ठीक है, ये आपका पूरा फ्यूचर का बात है, ये आपका पहचान है, जो इस फील्ड में तुम है तो तुम समझ रही है ना, तो जो नहीं समझ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लास्ट में ये बुक छोड़ना पड़ेगा, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए अपना क्यों अपना ये रिस्क करिएगा, इतना मेहनत 2 साल का मेहनत है आपका पूरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस फील्ड पे हैं, आप हम लोग इंस्पिरेशन है, ठीक है आप लोग को देख के हम लोग सीखते हैं, आपसे कितना कोई देखिए कितनी लड़की लोग आगे बढ़ी है आपको पता है, अब एक वहां से हम यहाँ आए हैं सिर्फ आपको देख के, और आप ही अगर ऐसा करिएगा तो फिर हम लोग का फिर तो हम लोग फिर सब डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप इतना लोगों का ये बने हैं मोटिवेटर तो ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हैं, और ऐसे ही अप्रैल फुल बना रहे थे तुमको, यही मिला था मेरे को बनाने के लिए, ये अप्रैल फुल इनडायरेक्टली हम एक मैसेज भी देना चाहते थे, इसलिए इस टाइप से हम अप्रैल फुल बोल सकते हाँ, तो पता ही था इस टॉपिक ही ऐसा था कि किसी को भी सीरियस होना ही था, हम पूरा सीरियस हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा भी शादी ब्याह लगा नहीं, मेरा जो पहचान है मेरा काम है वो हम कभी छोड़ने वाले हैं नहीं, बस यही है, हाँ प्लीज कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सच में दीदी हम लोग के लिए एक मोटिवेशन है, हम लोग दीदी को देख के सीखते हैं, और वहाँ से आज मेरे मम्मी पापा अगर हमको यहाँ भेजे हैं तो वो दीदी को देख के ही भेजा, हम तो शुरू से अपना फिर जितना भी Q&A वीडियो किया है हम हमको सब जब पूछता है तो हम दीदी का ही नाम लेते हैं, और आज भी हम पूरा ब्लॉग में दीदी का ही नाम लेंगे, क्योंकि इन्हीं को देख करके हम सीखे और यहाँ आज जो भी पहुँचे इन्हीं को देख के पहुँचे, तो आप ये कभी मत छोड़िएगा, आपको पहचान है, भले एक्टिंग कर रहे थे बट ये सीरियस टॉपिक ही था, क्योंकि हम चाहते थे कि इनडायरेक्टली आप लोगों तक ये मैसेज जाए, जो लोग समझे वो उनके लिए सही है, बाकी जो नहीं समझे उनको समझा भी नहीं सकते, और बाकी विधि का सूट था सॉन्ग का जो कि आप लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में देख लिया, तो कुछ दिनों में इसका वीडियो आ जाएगा, इसका चैनल है विधि महतो करके, तो उसी में सॉन्ग आएगा, बहुत धमाकेदार सॉन्ग है, आप लोग जरूर देखिएगा, आएगा तो हम इंस्टा पे इन्फॉर्म कर ही देंगे, तो अभी फिलहाल ये जा रही है घर वापस, तभी रेडी हुई थी, अभी इसका 2 बजे ट्रेन है तो निकल जाएगी, तो बहुत अच्छा लगा इसके साथ छोटी बहन जैसी है, और एक चीज हम दीदी के ब्लॉग पे भी बोलना चाहेंगे कि इतना ज्यादा मतलब दीदी सपोर्ट की, अपना कल का पूरा टाइम दीदी मेरे लिए दी है, और इतना ज्यादा प्यार, मतलब बोला जाता है ना कि सब बोलते हैं कि नेम फेम मिल जाने पे पैसा मिल जाने पे सब चेंज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आज ये प्रूव कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, दीदी के अंदर 1% का भी एटीट्यूड नहीं अगर रहता तो आज हम यहाँ मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत अच्छी तरीके से शूट हो गया होगी दीदी की वजह से, थैंक यू दीदी, अब इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमको दिए, और दीदी हमेशा तो सपोर्ट करती है, हम लोग का बात होते रहता है, बट ये सेकेंड टाइम हम मिल रहे हैं, और ये अंशु बहुत प्यारी है,
ये बहुत ज्यादा प्यारी है और ये हम लोग का न्यू मेहमान आया है। एकदम लग रहा है कि मौसी घर से हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर, क्योंकि मेरी अपनी बहन कोई नहीं है तो हम दीदी को भी यही चीज बोले थे। तो और बाकी जो है वो कजन लोग, उन लोग से उतना ये नहीं होता है मेरा। तो अब हम दीदी लोग को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वहीं लोग से सजेशन भी लेते हैं और दीदी हमेशा देखती भी है। तो थैंक यू दीदी, तो छोटा हो गया और थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे काम कभी भी किसी का किसी के साथ भी पड़ सकता है, इसलिए कभी किसी के साथ पूरा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और अभी इसका देते हैं, एक दो रील्स बना देते हैं, फोटो वगैरह क्लिक कर देते हैं कि तू ये चली जाएगी। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे एंड नहीं करते, अभी फिलहाल के लिए लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे, लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस जा रही है दीदी, बाय बाय। बाय दीदी, दोबारा आना एकदम जरूर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं रात में और एक बदमाश को लेके बैठे हैं क्योंकि ये खाना बनाने नहीं दे रही है, ये और कोको दोनों मिलके जो न्यू मेंबर है उसको पूरा एकदम अपना दादागिरी दिखा रहा है लोग कि हम लोग का घर है। बट वो भी बहुत बहादुर और फुर्तीली है, वो फीमेल है। तो अभी धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगा और दोस्ती हो ही गया है, बस थोड़ा सा नोकझोंक तो इन लोग का भी होते रहता है। इसको पकड़ कर देख रही कैसे कर रहे, गांडू है तो मानना नहीं चाहिए ना। दोनों मिलके उसको परेशान कर रहा है। तो बस गाइस, आज का वीडियो थोड़ा अलग था, बस ऐसे ही हम प्रैंक टाइप से किए थे अप्रैल फूल, कॉमेडी जैसा नहीं था, बस थोड़ा बहुत ट्राई किए थे थोड़ा अलग कंटेंट करने का। और बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब। और बस मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। और कुछ आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि डेली व्लॉग में जैसे क्या अलग यूनिक कंटेंट लाएं कि आप लोग भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो। तो बस मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। ये लोग को देखिए छोड़ देते हैं, देखिए किचन जाएगी, सीधा किचन जाना है। चलेगी अभी खेलेगी फिर चलेगी। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।